तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। संसद सत्र के दूसरे भाग की हंगामेदार शुरुआत हो चुकी है, जहां सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ। वहीं पहले दिन विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा। बता दें कि विपक्ष लगातार लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर बहस और गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। साथ ही दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग भी जारी रही। जबकि इस बीच बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई। गौरतलब है कि संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दल हित में, हित से जो है बड़ा देश है, और अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं तो मेरे ऊपर सवाल उठाया जाता है, जबकि हमको देश हित की लड़ाई लड़नी है, हमको देश हित को बड़ा रखना है, दल हित को पीछे रखना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह पर पलटवार किया। मनमोहन सिंह का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को भारत माता की जय कहने में भी बू आती है, जबकि आजादी के समय इसी कांग्रेस में कुछ लोग वंदे मातरम बोलने के खिलाफ थे, अब इन्हें भारत माता की जय बोलने से दिक्कत हो रही है। तो कुल मिलाकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आए हैं। संसद का जो सत्र है वो हंगामेदार, उसकी शुरुआत हुई और पहला दिन हंगामे की भेंट ही चढ़ गया। पूरे दिन हंगामा होता रहा, इस्तीफे की अमित शाह गृहमंत्री की मांग होती रही, दिल्ली हिंसा को लेकर बवाल काटा जाता रहा विपक्ष की तरफ से। दिल्ली को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग होती रही। जबकि इस बीच बीजेपी संसदीय दल की आज जो बैठक हुई है, गौरतलब है कि संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दल हित से बड़ा देश है, यानी कि एक तरफ दल है दूसरी तरफ देश है, तो देश हित सबसे बड़ा है, अपनी जो पार्टी है जो दल है उसका हित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि दल हित जो है उससे बड़ा देश है, और देश को आगे रखना है और दल को पीछे रखना है। भारत माता की जय जब भी मैं बोलता हूं तो मेरे ऊपर सवाल उठा दिए जाते हैं, जबकि हमको देश हित की लड़ाई लड़नी है, हमको देश हित को बड़ा रखना है, दल हित को पीछे रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह पर भी पलटवार किया। मनमोहन सिंह का हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को भारत माता की जय कहने में भी बू आती है, जबकि आजादी के समय इसी कांग्रेस में कुछ लोग वंदे मातरम बोलने के खिलाफ थे, अब इन्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो रही है। तो संसद का एक तरफ सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ वार पलटवार की स्थिति भी चल रही है। संसद के अंदर विपक्ष जमकर हंगामा काट रहा है दिल्ली हिंसा को लेकर, और कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है। सोनिया गांधी ने सबसे पहले गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की, उसके बाद कई और नेताओं ने, और उसके बाद अब संसद के अंदर इस बात को लेकर नारेबाजी भी हो रही है। और इसी पर चर्चा के लिए दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर आलोक सोती सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे बीच है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो स्थितियां संसद के अंदर बन रही हैं, कल जिस तरह से हमने देखा कि हंगामेदार रहा संसद का पूरा सत्र, गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग होती रही और कहा जाता रहा कि ये जो दिल्ली हिंसा हुई है इसमें कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी रही है केंद्र सरकार, क्योंकि पुलिसिंग उनके अंडर में आती है। देखिए हिमांशु जी, एक बात समझ लीजिए, ये विपक्ष अपनी खींच मिटा रहा है, विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा है, विपक्ष जो है किसी बात पे कायम नहीं हो पा रहा है, तो विपक्ष अपनी खींच मिटा रहा है, इसीलिए वो संसद में कोई ना कोई नए नए मुद्दे उठाता है, वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाता है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। और बहुत सी चीजें, जैसे बजट सत्र में बहुत सी चीजें आई, तो उसमें अमेंडमेंट अगर करना है तो उसके सुझाव दें और उसको अमेंडमेंट कराए, इस तरह की चीजें करें, लेकिन वो सिर्फ जो है एक खींच अपनी मिटाता है और किसी तरह से संसद का सत्र नहीं चलने देना चाहता है। और उसको जनमानस भी देख रहा है, पूरा इंडिया इसको देखता है, लोग राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई को पूरा जनमानस देखता है, लेकिन विपक्ष को इससे कोई लेना देना नहीं। विपक्ष को सिर्फ अपने वहां पर अपने जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता अपने
अपने मतलब सीनियर्स का, अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके उनकी दृष्टि में एक अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत सी चीजें विरोधात्मक रवैया अपनाते हैं। अब आप दिल्ली दिल्ली के हिंसा को ले लीजिए, दिल्ली हिंसा में दिल्ली पुलिस पे ही सारा ठिकरा फोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा जिम्मा दिल्ली पुलिस का ही, दिल्ली पुलिस ठीक है, दिल्ली पुलिस के हाथ में वहां की सारी व्यवस्था है, लेकिन उसमें विपक्षी दलों का भी मुख्य रोल रहा है। विपक्षी दल भी उसको हवा देते रहे, आम आदमी पार्टी के तो कई लोग उसमें सामने भी आए, और जब घटना परिलक्षित हो गई तो उसके बाद अमतुल्ला खान जो उनके पार्टी के वरिष्ठ क्या नाम है विधायक है, उन्होंने उसमें कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ताहिर हुसैन जो कि पकड़े गए, जो बाहर से आए थे और दिल्ली में रहते हुए उन्होंने 18 करोड़ की संपत्ति बना ली, और आम आदमी पार्टी के वो सभासद, तो इस बारे में किसी का बयान ना आना, और जिस तरह से उनके घर से पत्थर और पेट्रोल बम और तमाम चीजों की तेजाब की बोतलें और बहुत से सामान मिले, इसका मतलब है कि ये सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, और ये बहुत बड़ी बात हुई। और सर अगर विपक्ष किसी चीज को लेकर हंगामा नहीं करता है तो भी हम कहते हैं विपक्ष तो शांति से बैठा रहता है, नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित हो गया है, वो सड़क पर नहीं उतरना चाहता, संसद में जब बात होती है तो उस पर बात नहीं करना चाहता। एक बात, दिल्ली हिंसा को लेकर कोई तो जिम्मेदार है, उसको लेकर अगर वहां पर बैठकर बातचीत हो तो इसमें गलत क्या है फिर? देखिए तो विपक्ष को बात करनी चाहिए ना, कि भागना नहीं चाहिए। आप याद करिए जिस समय CA NRC बिल पास हो रहा था, CA बिल पास हो रहा था, उस समय भी माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि आप लोग सदन छोड़ के वॉकआउट मत कर जाइएगा, पूरी बातों को सुनिए, और ये सदन के पटल पे रखा जा रहा है, इसको सुनिए कि नागरिक संशोधन बिल क्या है, किसको इसमें इतला होगा और किसके लिए बनाया जा रहा है, उस समय भी उन्होंने कहा था। लेकिन उस समय अगर बार बार ये निवेदन न किया होता तो विपक्ष उस समय भी छोड़ के भाग गया होता, और बिना उसके ये बहुमत से, चूंकि बहुमत था ही, तो ये बिल पास हो गया होता। लेकिन बार बार ये निवेदन हुआ तो ये विपक्ष की पुरानी चाल है, और ये आप जब से सदन चल रहा है, आप 2014 से अगर देख लें, जब से मोदी सरकार का सेंट्रल में गठन हुआ है, तो विपक्ष हमेशा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाता है, और बहुत सी चीजें ठीक है आप वॉकआउट करिए, बहुत सी चीजें आपका नैतिक अधिकार है, आप वो सब कर सकते हैं, आप सदन के पटल पर रखिए, बहुत सी चीजों में संशोधन कराइए और देश की जनता को उस ओर ले जाने का प्रयास करिए कि बहुत सी चीजें आप ये देखिए हांगकांग और तमाम देशों, छोटे छोटे देशों की इकोनॉमी 5.5 ट्रिलियन है, हम लोग 3 ट्रिलियन के भी नीचे, इसकी चिंता इनको नहीं कि कैसे मतलब हमारा देश तरक्की करे, कैसे आगे बढ़े, इसकी इस बात की किसी विपक्ष के नेताओं को चिंता नहीं। नहीं बढ़ेगा तो तब ना, जब ये नफरत कम होगी। हाँ तो जब एक IB के अफसर को 400 बार गोदा जा रहा है, इतनी हिंसा की जा रही है, तो इस बीच हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहें या फिर अपने देश में शांति कायम करें? ठीक है, लेकिन आप ये आज 70-75 दिन से ये दिल्ली में शाहीन बाग का धरना चल रहा है, उसमें तो कोई विपक्ष का नेता नहीं गया भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, और आपके अरे तो ये तो सत्ता पक्ष का काम है ना, इसको सॉल्व करे जाके, सत्ता पक्ष बिल उनकी तरफ से लाया गया, कानून उनकी तरफ से बनाया गया, सत्ता पक्ष ने लिया, लेकिन सत्ता पक्ष ने किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया कि जो है बल प्रयोग का बातचीत, लेकिन सर बातचीत करके, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर वहां किसी को दिक्कत हो रही है तो ये डंडा मार के हटाइए, उनको बातचीत करके हटाइए, ये आपके ऊपर है, उसमें ये आपकी विवेक के ऊपर है कि किस तरह सारे दल के लोग इन्वॉल्व हैं, सारे दल के लोग इसको हवा देने का काम कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के लोगों ने वहां पर कोई डंडा चलाने का काम नहीं किया। अगर वो डंडा चलाते तो आज वहां पर इस तरह की घटना होना होती और ये अरेस्ट हो गए होते। लेकिन आलोक जी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो वो डिसाइड करेगा ना, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है वो डिसाइड करेगा ना सर। सत्ता पक्ष हम लोग यहाँ पे डिबेट में बैठ के डिसाइड करेंगे या फिर किसी कोई और जो है डिसाइड करेगा इस चीज को, हम ही लोग तो डिसाइड कर, सत्ता पक्ष को मान रहा है, सत्ता पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने दो आदमी भेजे तो सत्ता पक्ष को मान रहा है कि जो है वहां पर आके आप समझाइए, सत्ता पक्ष तो उसको मानने का काम कर रहा है, आप समझाइए। आलोक जी देखिए जो दिल्ली की हिंसा हुई है बहुत गलत हुई है, इसकी जितनी घोर निंदा करनी जाए वो कम है, इस पर जितने भी कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकते हैं जिन्होंने हिंसा फैलाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सांसद एक ऐसा स्थल है कि जहाँ पे बुद्धिजीवी जो है या जो आपके चुने हुए सदस्य हैं वहाँ बैठते हैं और शांतिपूर्वक जो है कानूनन संविधान के तहत किसी बड़ी समस्या का डिस्कशन कर सकते हैं, और उससे कुछ अगर ऐसी चीजें निकल के आए कि सामने की कुछ कड़े कानून बनाए जाए ताकि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति ना हो, तो इस बात के लिए जो है संसद की लोकसभा और राज्यसभा होती है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है
चाहे आप वर्तमान में देख लीजिए, जो क्योंकि सत्ताएं आती आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, कभी जो आज सत्ता में वो कभी विपक्ष में थे, आज जो विपक्ष में वो कभी सत्ता में थे, तो ये इस तरीके का सदन में हो हल्ला होना, बेल में जाना और विधेयक की कोई कापी को फाड़ के जो है सभापति के ऊपर फेंक देना, ये सारी घटनाएं भूतकाल में भी होती रही, माझी में भी होती रही और अभी भी हो रही हैं। ये हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, या इस जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसमें इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उस पे हम छूट जाते हैं। जैसा कि अभी पंकज जी ने कहा कि जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पे हमको ध्यान रखना चाहिए था, या जो हमारा अभी जो पिछला जो सत्र था, जो कि फाइनेंशियल मैटर था, बजट सत्र था, उस पे जो आपको फर्दर आगे डिस्कशन करके देश को किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ाया जाए उस पे होना चाहिए था। यहाँ पे केवल एक बात उठ रही कि जो है कि दिल्ली के जो गृह मंत्री हैं या केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें, ठीक है, हिंसा हुई, हालांकि कुछ हमको कमियां खामियां नजर आती हैं जो कि सिस्टम के कारण होती हैं। आप देख रहे हैं कि शाहीन बाग में जो भीड़ तंत्र चल रहा है, किसी तरीके से हम इसको लोकतंत्र नहीं कहेंगे, किसी भी भाषा में, चाहे न्यायपालिका कुछ भी इसको कहता रहे, लेकिन हम इसको भीड़ तंत्र ही मानते हैं। तो ऐसी अवस्था में कि जहां आप एक सड़क को रोके हुए हैं, गैर कानूनी रूप से रोके हुए हैं, कई लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे उसको, हमारे जितना भी हमें ज्ञान है उसकी कानून की किसी किताब में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, और पता नहीं क्यों न्यायपालिका उसको खुलवाने की चेष्टा नहीं कर रहा है, केवल जो और इस बीच प्रधानमंत्री का ये कहना कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत माता की जय बोलने में उनको बू आती थी, या फिर वो जो है उस चीज को नहीं बोलना चाहते थे, फिर वो 1947 की बात करने लगना, इस वक्त इस चीज की क्या जरूरत थी, या फिर क्या जरूरत आपको लगती है कि इस चीज की बोलने की जरूरत है कि पूर्व प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं या नहीं बोलते? नहीं, देखिये वो तो दूसरी घटनाक्रम के तहत आया है कि उसमें बीजेपी की अपना इंटरनल चल रहा था कि हम जो है दल हित से उठ के देश हित में इंडिया फर्स्ट की बात करने के उसमें हैं, भारत माता की, फिर उसमें जय भी आएगी, वंदे मातरम भी आएगा, कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, ऐसी बातें आएंगी। तो ये एक टैक्टिस होती है, स्ट्रेटेजिकल टैक्टिस होती है कि ध्यान को जो है भटकाने की, इधर से उधर करने की होती है। लेकिन जो हम लोग का मुख्य काम है कि शाहीन बाग का जो, जैसे आप भी इस बात को मान रहे हैं कि शाहीन बाग का जो प्रदर्शन चल रहा है वो कैसे खत्म हो, वो हमारी प्राथमिकता के अंदर नहीं आ पा रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसी बीच और खबर को जो है रुक कर लेते हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आज फिर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जहां मिश्रा का कहना है कि दिल्ली हिंसा के दौरान जिस दिन आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई उस दिन आप पार्षद ताहिर हुसैन अपने घर पर ही थे। वहीं उन्होंने कहा है कि ताहिर हुसैन के कॉल रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं। बता दें कि बीजेपी नेता का आरोप है कि ताहिर के घर में न होने वाली बात झूठी है और आप नेता संजय सिंह भी उसका साथ दे रहे हैं। साथ ही कपिल मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि ताहिर हुसैन के कॉल रिकॉर्ड सारे मीडिया के पास पहुंच गए हैं। पंकज जी, ताहिर हुसैन को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। ताहिर हुसैन पकड़ा तो नहीं गया है, लेकिन उसको लेकर जो है तमाम तरह की बातें होती रही हैं, और कपिल मिश्रा अब साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कॉल रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है कि उनकी बातें झूठी हैं, वो जिस दिन ये पूरी घटना हुई उस दिन अपने घर ही पर थे। देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि अगर ताहिर हुसैन इसमें दोषी पाए जाते हैं, और वहां तो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, सीबीआई है, रॉ है, और आपके आईबी है, लोकल इंटेलिजेंस है, सब तरह की, दिल्ली में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एजेंसी बैठी हुई है, तो अगर ताहिर हुसैन इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उनको जेल बंद किया जाए और देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए उनके ऊपर, और उसकी लेकिन यह है कि निष्पक्ष जांच कर ली जाएगी। अगर वास्तव में ताहिर हुसैन वहां पे थे और जैसा कि उनके घर में बम और पेट्रोल बम और तमाम चीजें मिली उनके घर में, जैसे अभी एनडीएमसी ने जो है काफी बुलडोजर लगा के काफी ईंटे पत्थर उधर से कलेक्ट किए और उसको बटोरने का काम किया, तो ये सब एक सुनियोजित है। और जैसा कि वीडियो फुटेज आपके अभी चल रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि ताहिर हुसैन डंडा लेके वहां पर चल रहा है, उस पर ताहिर हुसैन ने प्रतिक्रिया भी दिखी थी कि मैं वहां पर लोगों को हटाने बढ़ाने के लिए डंडा लेके चल रहा था। तो ये बिल्कुल जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि अगर इस तरह की चीजें एजेंसीज के पास सारी चीजें डिटेल है तो उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए आप एक चीज और देखिए मांझू जी, कि जब से ये चीजें पुलिस ने क्लियर की है और सारी चीजें आई है, तब से अमातुल्ला खान जो उनका हमेशा फेवर करते थे विधायक दिल्ली,
उन्होंने उसका फेवर करना बंद कर दिया, उन्होंने मीडिया में किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, अब वो नहीं आते क्योंकि ये वो किस तरह का पक्ष लेंगे जब सबूत सारे सामने आ रहे हैं, सारा फुटेज आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो दिल्ली पुलिस उनको अरेस्टिंग वारंट लेके घूम रही है, तो ये अब सब सारी चीजें जब सामने हो गई तो ताहिर हुसैन की इसमें मुख्य भूमिका दिख रही है, जैसा कि वीडियो फुटेज और जैसा कि प्रमाणिक तौर पर स्पष्ट हो रहा है। तो जिस समय अंकित शर्मा की हत्या की जा रही थी उस समय वो अपने घर पे मौजूद थे और 400 चाकुओं से जिस तरह से निर्ममता पूर्वक 400 वार किए गए, ये भी बहुत ही निंदनीय और बहुत ही मतलब दुर्व्यवहार है, ये विभत्स है, विभत्स कृत्य है। तो जिस तरह का उन्होंने किया, तो इस तरह की चीजों में अगर वो दोषी पाए जाते तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए। और हिंदुस्तान में मैं आपके डिबेट के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि कानून में बहुत बड़े संविधान संशोधन की जरूरत है कि जो लोग भी देश की हिंसा को भड़काने, देश में हिंसा को भड़काने का काम और पब्लिक को भड़काने का काम और इस तरह की चीजों में लिप्त पाए जाते हैं उनको उनको कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए, लेकिन उसकी जांच निष्पक्ष रूप से की जाए कि कोई निरीह व्यक्ति उसमें ना फंस सके, बस ये चीज का ध्यान रखा जाए और कड़े दंडात्मक प्रावधान कराए जाए और उनको बंद किया जाए। और इस तरह की बातें करना, संजय सिंह भी जिस तरह से उसका फेवर कर रहे थे, संजय सिंह सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उच्च सदन के नेता हैं, तो वो भी जिस तरह से उनका फेवर कर रहे थे वो भी गलत है। अब वो भी नहीं उस बात को घुमा रहे हैं, अब केजरीवाल जी का बयान आ गया कि अगर मेरे पार्टी का है वो इस तरह का करता है तो हम उसको निष्कासित करने का काम कर रहे हैं और इस तरह के लोगों को मैं कभी प्रश्न नहीं दूंगा। तो मतलब घूम फिर के कहने का ये मतलब है कि इस तरह की बातें करने से क्या फायदा, आज आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि आप जो है जब से देखिए ये एक मुद्दा ये था कि जिस समय ट्रंप का भारत आगमन हुआ उसी दिन ये दंगे भड़काए गए और मेन मकसद ये था कि ट्रंप जब इंडिया आए तो एक गलत मैसेज जाए और एक गलत संदेश जाए कि ट्रंप उस पर नाराज हो और उस पर टिप्पणी करें और उससे मरमाहत हो, लेकिन ट्रंप ने इस पे किसी भी तरह की बात से और किसी भी तरह के उससे इनकार कर दिया, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने भारत के आंतरिक मुद्दा समझते हुए उन्होंने कोई उस पे प्रतिक्रिया ही नहीं दी और इन लोगों ने उस दिन अनाप शनाप दंगे फसाद करवाए, उसका ये सुनियोजित प्लान था जो कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस फेलियर भी कहा जाएगा। ठीक है आलोक जी, मुझे ये लगता है कि ऐसी अगर चीजें हो रही हैं, दंगा हो रहा है, इस बीच में नेताओं को कुछ भी बोलने से बचना चाहिए, मैं तो कहता हूं कुछ भी बोलने से बचना चाहिए। अगर आप शांति की अपील कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ भी अगर आप इधर उधर की बात कर रहे हैं आपको नहीं करनी चाहिए, ये तो उनका नैतिक चीजें हो गई और ये तो पार्टी को भी ध्यान रखना भी है क्योंकि क्योंकि सर ऐसी चीजें हम जब निकल के सामने कहते हैं तो हमको ये लगता है कि राजनीतिक तौर पर इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है, वो चीज ना हो और जिसको सजा मिलनी है उसको सही ढंग से सजा मिल पाए, क्योंकि कपिल मिश्रा तो डिसाइड करने के लिए नहीं बैठे हैं ना कि कुछ भी कौन सजा देगा कौन नहीं देगा, कौन गुनहगार है कौन नहीं गुनहगार है, ये तो हमारी पुलिसिंग का काम है, पूरी इंटेलिजेंस लगी हुई है इस चीज के लिए। तो ऐसे में नेताओं को बचना चाहिए और पार्टी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके नेता इस तरह की कोई भी बात ना करें, भड़काऊ तो गलत ही है, किसी भी तरह की बात करने से बचे, माहौल को शांत करने की कोशिश करें। हिमांशु जी आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुलिस का काम है साक्ष्य सबूत और गवाहों को इकट्ठा करना और न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करना। हालांकि ये लोगों की गलत धारणा थी जो पहले कभी हुआ था कि जब दंगे होते थे तो लोग बाग जो हैं सबूतों के अभाव में बच जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, इतने ज्यादा वीडियो फोटोग्राफर्स आपके सामने मिल जाएंगे जिनकी फॉरेंसिक जांच भी हो जाएगी और पुष्टि हो जाएगी कि हाँ आप उस घटना में इन्वॉल्व थे। केजरीवाल जी कहा ऐसे 2 लाख कैमरे लगे वो कहां गए, नहीं वो तो अलग बात है, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि आप जो है अगर अपराध करते हैं किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं तो उसके साक्ष्य को प्रस्तुत करना, न्यायालय के सामने लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ताहिर हुसैन साहब भूल जाएं कि वो अपने को चाहे कितना भी जो है वीडियो पे आके कहे कि मैं नहीं था, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, चाहे जावेद अख्तर साहब भी उनके पक्ष में खड़े हो जाए, लेकिन जो साक्ष्य और सबूत जो पुलिस के हाथ अब तक लग चुके हैं वो न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय जो है उसका सही ढंग से जो है न्याय करेगा। तो कुल मिला के यहां तक नेताओं की बात है कि स्टेटमेंट कब और कैसे देने चाहिए, ये परिस्थितियों को देखना चाहिए था कि जब तक हमारे पास चाहे वो दंगा होने से पहले की परिस्थितियां हो जिसमें आपने देखा था कि छोटे से छोटा छोड़िए बड़े से बड़ा माननीय सोनिया गांधी जैसी बड़ी लीडर्स उनके बयान आप रामलीला ग्राउंड पे आप अगर उनके सुन के एनालिसिस कर लें, आप जो है किसी भी नेताओं का आप सुन के देख लें, फिर दंगे के दौरान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप केवल शांति की अपील कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी स्टेट
स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिससे दंगा जो है आगे बढ़े। और रही बात दंगे खत्म होने के बाद भी जब जनजीवन समान हो गया है, ऐसी भी स्थिति में आपको कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि फर्दर कहीं कुछ होने की, दंगा होने की आशंका हो सकती है। उसकी केवल शोध हो सकता है, उस पर विचार हो सकता है, उस पर कौन सा कानून ऐसा बनाया जा सके कि जो है फर्दर जो है सांप्रदायिक दंगे ना हो। तो ये परिस्थिति आपको देखनी है और समझनी है। यही हमारे माननीय सांसदों का और माननीय सरकार का जो है, यही माननीय विपक्ष का जो है, यही एक उद्देश्य भी होना चाहिए। इसीलिए संसद जैसा एक अखाड़ा बनाया गया है जहां पे जाके दिमागी कसरत करनी चाहिए कि कुछ ऐसे कानून बनाए जाके जो फर्दर जो है वहां पे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। तो कुल मिला के जो होना था वो हो गया, लेकिन उस घटना से एक बड़ा सबक हमको देशवासियों को लेना चाहिए था, जिसके कारण जो है फर्दर जो है आगे आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाओं से बच सकें और देश को प्रगति की ओर, शांति की ओर, सौहार्द के वातावरण में हम आगे बढ़ा सके, यही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पंकज जी, इन नेताओं को कितना शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा हर चीज का राजनीतिकरण, हिंसा हो रही है तो आप चिल्ला रहे हैं, कुछ और बात हो रही है तो आप चिल्ला रहे हैं। कुछ चीजों में तो शांत रहिए, हिंसा हो रही है तो पुलिस देखेगी उस चीज को। कपिल मिश्रा को आके बताने की थोड़ी ना जरूरत है कुछ भी। देखिए, मैं सिर्फ कपिल मिश्रा को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी और अन्य पार्टी का समर्थक हूँ। देखिए, मैं सिर्फ सीधी सी बात कर रहा हूँ कि नेताओं को कितना इन्वॉल्व होना चाहिए इन सारी चीजों। देखिए, जिस तरह से मीडिया की टीआरपी होती है उसी तरह नेताओं की टीआरपी होती है। वो समय समय पर अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं कि कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा हम हाईलाइट हो। तो फिर ये कहते क्यों हैं हम जनता की सेवा के लिए इस तरह के बयान हाईलाइट होना है। भाई, अब दंगा चल रहा है, उस समय आपको शांति की अपील करनी चाहिए कि उल जलूल बयान आग में घी का काम करना चाहिए। कोई भी किसी भी दल का नेता हो, उसको सीधी सी बात है, उसको आग में घी का डालने का काम नहीं करना चाहिए। उसको शांति की अपील करनी चाहिए कि जनमानस शांति की अपील करे और उसके लिए बल्कि प्रयास करने चाहिए। लेकिन इस तरह का प्रयास किसी पार्टी के, किसी दल के लोग नहीं करते, किसी भी दल का हो, चाहे सत्ताधारी दल हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जो हो, सभी लोग उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं और बैलेंस करके, अपने बयानों को बैलेंस करके इस तरह का बयान देने की कोशिश करते हैं कि उनकी एक अलग लाइन ऑफ लाइन तैयार हो। हर जगह आप कभी भी कहीं भी देखिए, ये ज्यादातर स्थिति यही रही है कि कोई जो है ये नहीं चाहता है कि नहीं हम मतलब एक शांति की बात करें। आप 92 में मस्जिद गिरी थी, तब से दंगा फसाद हुआ। हम लोग तो बनारस के रहने वाले हैं, बहुत सी चीजें हम लोगों ने दंगे फसाद देखे हैं। तो लेकिन ये सब चीजें ज्यादातर लोगों की यही स्थिति रहती है कि किसी तरह से पब्लिक को सामान्य न करने के बजाय हर दल के लोग, मैक्सिमम दल के लोग अपनी अपनी एक अलग लाइन, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। लेकिन सर, ये जो हिंसा की आग है जी, इसके बीच में ये जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेके तो ले रहे हैं जी, लेकिन समाज किस तरफ जा रहा है इस बात की चिंता शायद इन्हें नहीं है। बिल्कुल सही बात है, समाज की इनको कोई चिंता नहीं। समाज की चिंता होती तो आज भारत के लोग स्वावलंबी होते और अपने पैरों पर खड़े होते और भारत के लोग आज आगे बढ़ रहे होते, उनको समझाने का काम, उनको क्या नाम आगे ले जाने का काम हो रहा होता। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, लोगों ने शैक्षणिक डिग्रियां ऐसी बांटी कि लोगों के जो इस तरह की डिग्रियां बांटी जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, वो भी बीटेक एमटेक करके बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद सरकार से डिमांड करते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी दीजिए और दिया जाए, जबकि उनके अंदर योग्यता नहीं है। नकल अध्यादेश का कितना विरोध हुआ, नकल कि आज देख लीजिए, ये सरकार जो है उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए नकल को लेकर कितना जागरूक है कि कितने बच्चों ने परीक्षाएं छोड़ दी। उसका रीजन यही है कि ठीक है, इसमें कड़ाई होनी चाहिए, इसका ये मतलब थोड़ी है कि लिबरलाइजेशन आप कर दीजिए और जो है आप जो मन में आए आप पास हो जाइए। तो ये अच्छी बात है, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, अगर आप योग्य हैं तभी आप परीक्षा में बैठे और पास हों। तो ये चीज तो सरकारों का जो कदम है, सरकार का, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार का सराहनीय। अब उत्तर प्रदेश में आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब से 19 दिसंबर को जो घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से जब से योगी सरकार इन एक्शन, उस समय तो घटना हुई, तोड़फोड़ बहुत हुई, बहुत ज्यादा हुई, लेकिन जहां चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया कि नहीं जो भी करेगा मैं उससे वसूली की जाएगी और उसके घर पे नोटिस चस्पा किया गया और सारे फुटेज खंगाल के उसको प्रमाणिक तौर पे दिया गया, तो आज लोगों की मुसीबत हो गई। आज यहाँ लोग दंगा फसाद करने से कतरा रहे। योगी सरकार केंद्र सरकार से एक कदम आगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? अपना अपना रवैया है उनका, केंद्र सरकार ठीक है, केंद्र सरकार केंद्र में बैठी है, लेकिन वहाँ दिल्ली में तो दिल्ली सरकार को फैसला लेना है ना, वहाँ तो दिल्ली सरकार को फैसला लेना है। दिल्ली सरकार लेकिन राजनीति करने का काम करती है, केजरीवाल जी सारी चीजें फ्री करने का काम करते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं सारी चीजें सबको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा, सबको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा कि इसी बहाने मुझे जो है
62-65 सीटें मिल जाएंगी, कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। डेस्कॉम वहां पर 3200 से 4000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, तमाम चीजें और घाटे चल रहा है, उससे उनको मतलब नहीं। उनको किसी तरह येन केन प्रकार प्राप्ति सत्ता, उनको किसी तरह सत्ता प्राप्त करना, इसीलिए वो सारी चीजें फ्री करते जा रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं। यही केजरीवाल जी है जिस समय अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने विरोध किया था। फ्री की अगर बात करेंगे तो फ्री तो बहुत ही सरकारों ने बांटी। देखिए नहीं, फ्री करना ठीक है, बहुत सारी सरकारों ने, जो प्राथमिक सुविधाएं है मैं मानता हूं फ्री करना ठीक है, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको फ्री दीजिए वो ठीक है, आम जनमानस को फ्री देने का बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आप जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के जिनको उसकी जरूरत है, नेसेसिटी है, उनको आप फ्री दीजिए, तो वो तो उनका नैतिक अधिकार है, वो कहां से जाएंगे, वहां कहां से लाएंगे, उनकी इतनी इनकम नहीं है। लेकिन जो लोग इनकम कर रहे हैं उनको स्वावलंबी बनाने का काम करिए, आगे बढ़ाने का काम करिए, कि न कि सबको फ्री दीजिए आप, तो उसका नतीजा है सत्ता तो आपको मिल जाएगी लेकिन देश की इकोनॉमी ध्वस्त होगी और प्रदेश की इकोनॉमी ध्वस्त होगी। लेकिन इस बीच जो राजनीति होने लगती है, मुझे ये लगता है कि अगर एक कोई फ्री दे रहा है उसके बाद हम भी फ्री दे देंगे तो मेरी भी सत्ता बन जाएगी। आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में 72,000 रुपए साल देने की बात राहुल गांधी ने की थी कि 6,000 रुपए महीना देंगे, 72,000 रुपए साल, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक ने उसको नकार दिया, उस बात को इम्प्लीमेंट नहीं किया। पब्लिक को समझ में आया कि ये जुमलेबाजी है, इससे देश कहां चलेगा। बात सही भी है कि 72,000 रुपए साल अगर आप देना शुरू कर देते हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया 54% क्या नाम है युवा है, तो अगर आप देने लगते हैं तो भट्टा बैठ जाता है, इतना पैसा भी नहीं आ पाता। और जिस तरह से अभी इन्होंने सत्ता, जैसे कांग्रेस के ले लीजिए जिन्होंने मध्य प्रदेश और आपके जयपुर राजस्थान में सत्ता हासिल किया और किसानों के ऋण माफ करने की बात की, आज वहां पर किसान का ऋण नहीं माफ हो पाया। उसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और वो आपके सचिन पायलट दोनों लोग सरकार के खुद विरोध में, जो सेकंड नंबर के नेता है वहां पे, वो लोग खुद विरोध में सरकार के कि सरकार ने अपने कामों को अंजाम नहीं दिया। तो ये चीजें कहना बहुत आसान होता है, सत्ता पाने के लिए इस तरह की चीजें करना बहुत गलत है। और सभी लोगों की प्रमुख भूमिका है कि सारे लोग देश को आगे ले जाने का काम करें, चाहे विपक्ष हो चाहे कुछ हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और संसद के अंदर एक सार्थक चर्चा हो सके ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली खबर का रुख कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, जहां उन्होंने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इस रविवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं। बता दें कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि उनके इस कदम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जबकि कहा जा रहा है कि हालिया दिल्ली दंगे के बाद सोशल मीडिया पर घृणा संदेशों की बाढ़ आ गई, जिसके चलते उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि वह कोई नया कदम उठाकर लोगों को चौंका भी सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के विभिन्न अकाउंट्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं और वो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में लोगों के साथ संपर्क में रहते भी हैं। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे है और जो संदेश है वो अगर कहीं पर भी घटना, छोटे से गांव में कुछ भी अगर घटित हो जाता है तो सोशल मीडिया के थ्रू 1 घंटे में 2 घंटे में पूरी दुनिया को इस बात का पता चल सकता है। तो ऐसे में सोशल मीडिया आज के जमाने में कितना जरूरी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे लोकप्रिय नेता है, सोशल मीडिया पर जितने अकाउंट्स उनके बने हैं सबसे ज्यादा फॉलो किए जाते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि अब मैं इसको छोड़ने के विषय में सोच रहा हूं। यानी कि अब वक्त आ गया है सोशल मीडिया पर जिस तरह के बाढ़ आ गई है चीजों की, जो गलत तरीके से उसको पेश किया जाता है सोशल मीडिया, जिस तरह से एक नेगेटिव इंपैक्ट समाज के अंदर डाल रहा है, तो एक जरूरी है कि एक नेता इस बात को कह रहा है कि अब मैं सोच रहा हूं कि इससे दूरी बना लूं। देखिए हिमांशु जी, जहां तक मेरा विचार है एज ए टेक्नोक्रेट, कि हमको लग रहा है कि सोशल मीडिया छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। सोशल मीडिया में अभी तक जिसका जो वर्चस्व था वो आप देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, गूगल की बात कर लीजिए, यूट्यूब की बात कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, ये सब अमेरिकन कंपनी है और ये जो है बहुत ज्यादा रेवेन्यू इनको मिलता है। इसके पैरेलल जो है आप, हमको लग रहा है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया का वो भारत में आने वाला है। अगर आप देखें तो जो गूगल मैप है, इसके इक्विवेलेंट जो है एक नाविक करके इसरो ने एक अपना सॉफ्टवेयर बना लिया, आने वाले समय में नाविक जो है वो आने वाला है। पिछली सरकार में हमने देखा था कि 2014 में उन्होंने एक इंडियन व्हाट्सएप कंपनी के इक्विवेलेंट थी उसको प्रमोट करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सफल नहीं हुए और बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं हुआ। एक काका को करके एक टॉक है, ये भी व्हाट्सएप है, इंडियन व्हाट्सएप कंपनी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इसी तरह GIMS है, इस समय गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेज सर्विसेस, ये जो है गवर्नमेंट ने अपना एक प्राइवेट सिस्टम बना रखा है NIC के थ्रू,
और इसमें जो है गवर्नमेंट के जितने भी मैसेजेस होते हैं वो आपस में तेजी से फास्ट रूप में होते हैं। अगर आप चाइना की स्थिति को देखें, चाइना के पास alibaba.com है, कहने का मतलब उसने अमेजोन को वहां पे घुसने ही नहीं दिया। इसी तरह उनके पास जो वेब ब्राउजर है यूसी वेब ब्राउजर है, इसी तरह उनके पास यूट्यूब के इक्विवेलेंट है, इसी तरह उनके पास फेसबुक के इक्विवेलेंट है, इसी तरह जो है व्हाट्सएप के इक्विवेलेंट उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर अपनी टेक्नोलॉजी बना रखी है, अपने सर्वर बना रखे हैं। इनके जो जितने भी सोशल मीडिया के सर्वर्स हैं वो विदेश में हैं, जिसके लिए ये चिट्ठी लिखते रहते हैं और उससे कुछ नहीं होता है। तो आप देख भी रहे जो हमारे क्या की जो सामाजिक परिस्थितियां आ गई हैं, लोग बाग इतना ज्यादा जो है उस पर एग्रेसिव आ गए हैं, तो ऐसे स्थिति में सर्वर का भारत में होना बहुत जरूरी है ताकि उस पर लगाम लगाई जा सके। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले दौर में जो डिजिटल सिस्टम या डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा था उसमें आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा काम किया जो लोगों की निगाह में नहीं आया। हमारे पास जितने भी क्रेडिट और उसके डेबिट कार्ड होते थे मास्टर या वीजा कंपनी के होते थे जो कि अमेरिकन है, जिसमें हर ट्रांजेक्शन का कुछ पैसा जाता था। उसके इक्विवेलेंट जो है रुपए कार्ड आए जो इंडियंस है, उससे हमारा पैसा जो है डॉलर्स जाना बचा। साथ में ही यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक सिस्टम बनाया गया जिसमें प्रत्येक बैंक के जो खाते हैं वो एक दूसरे से लिंक किए गए हैं। ये जो है पूरा भारतीय प्रोजेक्ट है, मुंबई में सर्वर लगे हुए हैं। अब आप जो भी पेमेंट आप पेटीएम से करें, चाहे गूगल से करें, चाहे फोन पे से करें, चाहे किसी भी ऐप से करें, आपका फ्रंट हैंड तो अलग हो सकता है लेकिन बैक हैंड में यूपीआई चलता है, यानी वो भारतीय सिस्टम में जो है आपका पैसा जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो पिछले कार्यकाल में उन्होंने आर्थिक रूप से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटलाइजेशन अच्छा कर लिया था। अब हमको लग रहा है इस वर्तमान रिजीम के अंदर मोदी जो है सोशल सेक्टर्स में जो सॉफ्टवेयर है वो जो है उसका भारतीयकरण करने जा रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है, आने वाला समय भारत के लिए बहुत उत्तम रहेगा। पंकज जी आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि अब दूरी बना लेनी चाहिए जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनसे? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी हिमांशु जी हमेशा चौंकाने वाले परिणाम देने वाले व्यक्ति रहे, हमेशा कुछ न कुछ चौंकाने वाले परिणाम वो देते हैं, तो ये चीज बिल्कुल सत्य है। और जिस तरह से फेसबुक व्हाट्सएप और ये गूगल या जितनी भी जो इंस्टाग्राम या जितने भी ये सब हैं, ये सब अमेरिका से कंडक्ट है और फॉरेन से रिलेटेड है और एक निश्चित धनराशि इनके पास जाती। और अमेजोन को ही ले लीजिए, अमेजोन ने तो इंडिया से बहुत पैसा कमाया, सारा ऑर्डर देने का काम और सारा उस तरह की चीजें उस पर सारी कंपनियों से उनका टाई अप है और भारत के लोग काफी परचेजिंग उसके साइट पे जाके करते हैं। तो इस तरह से ये तो निश्चित समझ लीजिए कि मोदी जी कोई ना कोई या तो भारतीय किसी कंपनी को लॉन्च करने की तैयारी है कि जिससे एक बहुत भारी मात्रा में जो मुद्रा बाहर जा रही है विदेशी मुद्रा जो वो लोग कलेक्ट करके ले जा रहे हैं अरबों खरबों रुपया, तो उस ओर ये बहुत एक बहुत सार्थक पहल है। और मोदी जी की फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, आप चाहे फेसबुक में देख लीजिए 4-5 करोड़ से ऊपर है, आप इंस्टाग्राम में ले लीजिए, यूट्यूब पे ले लीजिए, गूगल पे ले लीजिए, सब मिला के 10 करोड़ के ऊपर सब आंकड़ा जाता है। तो काफी लोग इससे उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये चीज तो तय समझिए कि किसी ये तो रविवार को ही अभी गर्भ में है, रविवार को ही ये चीज सामने आएगी, लेकिन ये तय समझिए कि कोई ना कोई बहुत बड़ा इसके पीछे सुनियोजित तरीके की एक प्रधानमंत्री जी की योजना है जो क्रियान्वित होगी संडे के दिन, वो चीज अच्छा इन लोगों का। अच्छा विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत छोड़े सोशल मीडिया मत छोड़े। नहीं वो ठीक है, वो राहुल गांधी जी का तो इस तरह का बयान आता रहता है, राहुल गांधी जी अलग अपना राग लापते रहते हैं, उनको कोई सीरियस नहीं लेता, इसीलिए उनकी बातों को नजरअंदाज लोग करते हैं, बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। राहुल गांधी जी हर चीज में इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद बहुत सी चीजों में, अब राफेल पे ही आप लीजिए राहुल गांधी जी ने कितने फिगर रखे कि 2000 करोड़ का घोटाला, कभी 4000 कभी 3000, मतलब वो एक फिगर पे कभी स्ट्रिक्ट नहीं रहे और हर रैलियों में हर जगह वो अपने बयान बदलते रहे। तो राहुल गांधी जी तो की तो बात ही मत करिए, लेकिन ये तय मान के चलिए हिमांशु जी कि कोई बड़ी योजना को अंजाम देने की तैयारी है और जिसका सार्थक परिणाम आएंगे, क्योंकि ये लोग करोड़ों रुपया फॉरेन ले जा रहे हैं, विदेशी मुद्रा बहुत बड़ी तादाद में वहां जा रही है। हालांकि शेयर मार्केट में अगर आप देखिए तो शेयर मार्केट में काफी तादाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन उसमें एक चीज ये रहती है कि वो लोग मार्केट में अगर सेल करते हैं तो काफी मार्केट क्रश होता है और फिर पैसा ले जाते हैं, ये भी चीज है। तो शेयर मार्केट में तो काफी पैसा वर्ल्ड के लोगों का लगा हुआ है और यहाँ काफी इन्वेस्टमेंट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, इंफ्रा सेक्टर में इन्होंने जैसे दरवाजे खोल दिए हैं, और आप उसमें इंश्योरेंस सेक्टर में देख लीजिए इन्होंने FDI के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, तो काफी मात्रा में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है।
अभी आप जैसे देखिए उसके लिए उन्होंने खोल दिया है 100% इन्वेस्टमेंट, आपके 60,000 करोड़ के घाटे में चल रही है एयर इंडिया, कोई आज मोदी सरकार के समय वो घाटे में नहीं, वो कई सालों से घाटे में चल रही है, 5 साल से वो घाटे में नहीं, वो पुरानी सफेद हाथी हो चुका है। उस समय जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर थे आपके नागरिक उड्डयन मंत्री ये अजीत सिंह प्रफुल्ल पटेल थे, इसके पहले अजीत सिंह थे, प्रफुल्ल पटेल के पहले अजीत सिंह थे, तो ये लोग रह चुके हैं और तमाम एयर बसें खरीदी गई, तमाम वो हुआ, उसके बावजूद जो है बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा, 60,000 करोड़ का घाटा उसमें। तो उसके लिए इन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और इस तरह की चीजें खत्म हो। तो ये निश्चित समझिए कि अगर सोशल मीडिया मोदी जी छोड़ रहे हैं तो ये पक्का मान के चलिए कि कोई एक नई सोशल मीडिया भारत की जो है स्वदेशी वो लॉन्च होने की तैयारी है, जिसको मोदी जी स्वदेशी लॉन्च भी होगी वो तो चलिए कल की बातें हैं, जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया का क्योंकि जमाना है और जिस तरह से हमने दिल्ली में देखा कल की स्थिति कि दो लोगों की इसकी वजह से मौत भी हो गई, सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही थी, उस पर रोक लगाने के लिए या फिर उस पर निगरानी की बहुत जरूरत है। आज समझ लीजिए हिमांशु जी होता क्या है, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे कुछ भी डाल दीजिए और उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं होती है, ये बहुत बड़ी गलत वो है। साइबर क्राइम सेल बना हुआ है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसको जो मन में आता है उल्टे सीधे पोस्ट डाल देता है और उसके बाद उसको हटा भी लेता है। तो जब आपने पोस्ट डाला आपके थ्रू डाला गया उसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर आपने देशद्रोही चीजें डाली तो आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, आपको जेल भेजने का काम किया है, मतलब आपको दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ जो ये लचर व्यवस्था चल रही है उसका उसके लूपहोल्स का फायदा तमाम अराजक तत्व उठा रहे हैं और इसीलिए देखिए बीच बीच में जो भारत सरकार ये इंटरनेट बंद कर देता है उसका कारण भी यही है कि लोग उन पटांग चीजें वायरल करते हैं जिसके चलते दंगा भड़कता है और बहुत सी चीजें लोग बिल्कुल सही बात है, शांति बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें या फिर अपने जो आपका फायदा है या फिर दूसरों का फायदा है वैसी चीज उस पे जो है भेजें या फिर उसको सेंड करें, ऐसी चीजें जो सोशल मीडिया पर जाकर लोगों को प्रभावित करें या फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए आलोक जी, पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया से हटने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, संडे को उन्होंने संडे तक का टाइम दिया है, देखते हैं संडे तक क्या आता है उनकी तरफ से रिस्पॉन्स इस चीज को लेकर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ। बच्चन जी बोलिए। बच्चा जी आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना,